गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू द लिमरा कॉन्वेंट स्कूल। सो आज हम लोग ऑनलाइन स्टडी में क्लास टू की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ एंड द सब्जेक्ट इज साइंस एंड हेयर इज़ योर सिलेबस। ये आपका सिलेबस है कंटेंट में, जिसमें फर्स्ट टर्म में आ रहा है आपका चैप्टर वन से लेकर थ्री तक, सेकेंड टर्म में फिर है और फिर फाइनल में। तो पहले हम लोग फर्स्ट टर्म की तैयारी करते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर वन, यूनिट वन, प्लांट लाइफ। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ प्लांट्स के लाइफ के बारे में पढ़ना है। प्लांट्स मतलब होता क्या है चिल्ड्रन? प्लांट्स मतलब जितने भी तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं हमारे वर्ल्ड पे, इस पृथ्वी पे जितने भी तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट की, उनके कितने प्रकार होते हैं, वो कितने तरह के होते हैं, किस तरह के पौधे होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स लिविंग थिंग्स मतलब आप जानते हैं क्या होता है। लिविंग थिंग्स ऐसे चीज़ों को कहते हैं जो जीवित होते हैं, जिनमें जान होती है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स क्या है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो एक लिविंग थिंग्स हैं। उनका अपना अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज़ होता है। कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिग मतलब बड़ा एंड स्मॉल मतलब छोटा। तो कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पे है टाइप्स ऑफ प्लांट्स की, कितने तरह के प्लांट्स होते हैं अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो है वो है ट्री। ट्री बोलते हैं पेड़ को, ठीक है। ये जो ट्रीज़ होते हैं ये बहुत ही बड़े होते हैं, ठीक है। और इनका जो जड़ होता है, ट्रीज़ का जो पेड़ का जो जड़ होता है वो बहुत ही मजबूत होता है और ये ज़मीन के बहुत अंदर तक जा चुके होते हैं, मतलब बहुत गहराई में बढ़े हुए रहते हैं इनके जो जड़ होते हैं, ठीक है। इनका जो ट्रंक होता है, जो तना होता है वो सिंगल होता है। इनके ब्रांचेस होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, वुडी मतलब लकड़ी के होते हैं। दे स्टैंड इरेक्ट, ये बिल्कुल सीधा खड़े होते हैं। तो ट्रीज़ में अगर हम लोग एग्जांपल ले लें कि किसको हम लोग ट्रीज़ बोलेंगे, तो सबसे पहला है मैंगो ट्री, नीम ट्री एंड बनियान ट्री, ठीक है। कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनके ब्रांचेस, जिनके जो तने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैले हुए होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। जैसे कि मैंगो ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, बनियान ट्री हो गया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बनियान ट्री। बनियान ट्री हमारे इंडिया का नेशनल ट्री जिसको बोला जाता है, वो बनियान ट्री को ही बोला जाता है। बनियान ट्री इज़ नोन एज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनके ब्रांचेस नहीं होते हैं, मतलब जिनके तने नहीं होते हैं, जिनमें कोई भी तना नहीं होता है। जैसे पाम ट्री, कोकोनट ट्री, पाइन ट्री। पाम ट्री बोलते हैं चिल्ड्रन ताड़ के पेड़ को, ये हो गया नारियल का पेड़, और ये हो गया पाइन ट्री। यहाँ पे कुछ एक अमेजिंग फैक्ट है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि बनियान ट्री कोलकाता में, एक बनियान ट्री है जो कोलकाता में है, वो 200 से 250 साल तक के पुराना पेड़ है। वहाँ पे जो कोलकाता में जो पेड़ है बनियान ट्री है, वो 200 से 250 साल तक के पुराना पेड़ है। तो ट्रीज़ इतने लॉन्ग ईयर्स तक भी सर्वाइव कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों को ये दिख रहा है, ठीक है। और अफ्रीका में एक बॉबअप ट्री है जिसका जो ट्रंक है, जिसका जो तना है, वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि वहाँ पे कोई भी आराम से जाकर अपनी ज़िंदगी बिता सकता है और वहाँ पर रह सकता है, इतना ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं श्रब्स, ये भी एक तरह का प्लांट्स का एक टाइप है, ठीक है। तो श्रब्स हम लोग किसको कहते हैं? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज से छोटे होते हैं, मतलब जो पेड़ से छोटे होते हैं। इनकी जो हाइट होती है वो 3 से 4 मीटर तक की होती है। इनके जो तने होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं, लेकिन लकड़ी के होते हैं और कड़े होते हैं, मुलायम नहीं होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं। लकड़ी के होते हैं, वुडी होते हैं और कड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बुशेस, बुशी प्लांट्स, और श्रब्स मतलब झाड़ियाँ। झाड़ी वाला जितना भी पेड़ होता है उन सबको हम लोग श्रब्स कहते हैं इंग्लिश में, जिनको हम लोग झाड़ियाँ कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जैसे रोज़ प्लांट, गुलाब का जो पेड़ है, जैस्मीन प्लांट, चमेली का जो है, टोमेटो प्लांट, टमाटर के जो पेड़ होते हैं, वो सब श्रब्स की गिनती में आते हैं, ठीक है। दे ऑल आर कॉल्ड श्रब्स। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हर्ब्स। हर्ब्स किसको कहते हैं? तो हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी। ये वैसे प्लांट्स को कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इनके जो ब्रांचेस होते हैं, इनके जो ब्रांच होते हैं वो शैलो रूट के होते हैं, मतलब ज़्यादा अंदर तक, ग्राउंड के ज़्यादा अंदर तक नहीं गए हुए होते हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं, इनका जो स्टीम होता है, जो तना होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है।
और ये 1 मीटर से भी कम इनकी लंबाई होती है। ठीक है, इनकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 1 मीटर से भी कम होती है और ये 1 सीज़न के लिए ही ज़िंदा रह सकते हैं, मतलब 1 सीज़न में ही आप इनको लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जैसे कि इसका एग्जांपल दिखा रहा है कि ब्रिंजल है, तुलसी है और मिंट है। ब्रिंजल मतलब बैंगन का जो पेड़ होता है, वो भी झाड़ी की तरह ही, वो भी मतलब एक तरह का जड़ी बूटी हो गया। तुलसी या फिर मिंट, मिंट हम लोग कहते हैं पुदीना को, पुदीना तुलसी ये सब क्या हो गए, ये सब हर्ब्स के टाइप हो गए। ठीक है, ये सब हर्ब्स की गिनती में आ गए कि ये जड़ी बूटी वाले पेड़ पौधे हो गए। उसके बाद आते हैं क्लाइंबर्स में। अब क्लाइंबर्स किन को कहते हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो स्टीम होते हैं, जो तने होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब लचीले, मतलब उनको आसानी से हम लोग किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं, और कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो तने होते हैं, ये देख रहे हैं जो तने होते हैं ये सब, ये बहुत ही लंबे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। इनको हम लोग आसानी से मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट सो दे नीड सपोर्ट। ये कभी भी सीधा नहीं खड़ा हो सकते हैं, इनको हमेशा एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो जितने भी जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या तो फिर बाड़ी बनाना पड़ता है, या फिर किसी लकड़ी से इनको स्टैंड करना पड़ता है, या फिर दीवार के सहारे से ये लोग चढ़ते हैं, तो ये लोग क्लाइंब करते हैं तभी ये लोग थोड़ा बढ़ पाते हैं। अदरवाइज़ अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। और ऐसे ही प्लांट्स को, वैसे प्लांट्स जो क्लाइंब करते हैं, वैसे प्लांट्स को हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे कि कुछ क्लाइंबर्स का नाम यहाँ पे दिया गया है, पी प्लांट, मटर के जो प्लांट होते हैं वो क्लाइंबर्स में आ जाते हैं, मनी प्लांट ये क्लाइंबर्स में आ जाते हैं, ग्रेप वाइन कहते हैं अंगूर के बेल को, अंगूर का जो बेल होता है उसको हम लोग ग्रेप वाइन कहते हैं, जिससे हम लोगों को अंगूर मिलता है, ग्रेप्स मिलता है। ठीक है, तो हेयर इज़ द एग्जांपल ऑफ क्लाइंबर्स। देन कम टू द नेक्स्ट पेज, क्रीपर्स पढ़ेंगे हम लोग। सो ये जो क्रीपर्स होते हैं, अब क्रीपर्स किन को कहते हैं, वैसे प्लांट्स जिनके तने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो सपोर्ट भी नहीं चाहते हैं, वो ज़मीन पे ही रेंगते रेंगते खुद को बचा सकते हैं, खुद को सर्वाइव कर सकते हैं, वैसे प्लांट्स को हम लोग क्रीपर्स कहते हैं, जिनमें बहुत सारी लताएं होती हैं, जैसे कि वाटरमेलन मतलब तरबूज, पम्पकिन जो कद्दू जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर क्यूक्यूम्बर मतलब खीरा। क्यूक्यूम्बर प्लांट जो होता है वो भी हम लोग क्रीपर्स के ही गिनती में उसको रखते हैं। ठीक है, क्रीपर्स मतलब ऐसे प्लांट जो ज़मीन पर ही अपने तनाव को बिखेर देते हैं, उनको वो ज़मीन पर ही रेंगते हैं और रेंग कर वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंड हेयर इज़ द लास्ट टाइप ऑफ प्लांट विच इज़ वाटर प्लांट। अब वाटर प्लांट किसको कहते हैं, तो वाटर प्लांट जाहिर सी बात है उसको ही कहेंगे जो वाटर में होगा, जो पानी में होगा। ठीक है, वाटर प्लांट के जो स्टीम होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, मतलब उनके जो तने होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, वो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, और वो जो लीव्स होते हैं वो उनको पानी में तैरने में मदद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोटस, ये भी हम लोगों को वाटर में ही मिलता है, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ एंड हाइड्रिला, ये सब जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी वाटर प्लांट्स हैं, इन ये सब वाटर में ही पाए जाते हैं, दैट्स वाई इनका नाम क्या है, वाटर प्लांट्स। सो आज हम लोगों ने इतने सारे प्लांट्स का नाम देखा, क्या क्या हो गए, सबसे पहला था ट्री, उसके बाद था श्रब्स, फिर हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स एंड वाटर प्लांट। और यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट है, ये हम लोग देख लेते हैं कि द लीव्स ऑफ जाइंट वाटर लिली कैन ग्रो अप टू 2.5 meters, दे आर स्ट्रॉन्ग दैट वन कैन सिट ऑन देम। जो वाटर लिली का जो लीफ होता है, एक वाटर लिली, इसका जो एक जाइंट वाटर लिली का जो पत्ता होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है, वो कम से कम भी तो 2.5 meter तक के बढ़ सकता है, और वो इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि उस पर कोई एक इंसान आराम से बैठ सकता है। सो हेयर इज़ योर चैप्टर, आपका चैप्टर 1 कम्प्लीट हो चुका है। आपको बस करना क्या है कि जितने भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं इनको आपको याद करना है। ठीक है, ये वाटर प्लांट, इनका स्पेलिंग याद करना है, वाटर प्लांट हो गए, क्रीपर्स हो गए, क्लाइंबर्स हो गए, हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज, इनका स्पेलिंग अच्छे से याद कर लेना है, और जितने वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर लिखे गए हैं या फिर जितने वर्ड मीनिंग्स बताए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है।